हुआ करता था, दुकानें वगैरह नहीं होती थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वही सैड अंदाज में मैं आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ अपने चैनल में। तो बात तो सैड वाली है क्योंकि मुझे एक्सप्रेस वे का वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, कोई वजह है। क्या वजह है मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा कि क्या वजह थी जिस वजह से मैं मलिर एक्सप्रेस वे का वीडियो कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए नहीं बना पा रहा। आप लोग मेरी यूट्यूब कम्युनिटी बन चुकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही हैं, तो इंशाल्लाह मेरे वीडियो आगे इंशाल्लाह और भी ग्रो होंगे आपके सपोर्ट से। तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आगे चलकर, देखते हैं आगे हम कहाँ जाने वाले आज। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, घर से निकले हैं और सीधे हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ। तो यहाँ से जाएंगे पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल वगैरह भरवा लें, उसके बाद आगे चलेंगे। आगे देखते हैं हमें कहाँ जाना है। आप लोगों को कराची के रोड दिखाता हूँ भाई। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं विलेज के एरिया में, विलेजेस हैं यहाँ पर सारे, ठीक है। ये जो रोड कहलाता है मेमनकोट का रोड कहलाता है ये वाला, ये जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं ईदगाह। इसकी वीडियो मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। और ईद है कल, आज समझो ईद रात होगी रात में ना, तो आज आखिरी दिन है रमज़ान का और कल इंशाल्लाह ईद है। तो भाइयों ईद से पहले एक दिन पहले मैं दिखाता हूँ कि लोगों की गेमा गेमी कैसी है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन अब शहर की तरफ चलेंगे और मॉडल कॉलोनी वगैरह इधर चलेंगे, तो सऊदाबाद यहाँ से चलते हुए आपको शाहरा फैसल पर ले चलेंगे, ठीक है। फ़िलहाल चलते हैं पेट्रोल पम्प पर, मिलते हैं। ओके तो बनाएंगे बनाएंगे। हाँ, तो गाइस पेट्रोल शेट्रोल डलवा लिया, अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे सऊदाबाद चौक। तो ये रोड बड़ा प्यारा बना दिया लोगों ने यार, क्या ही बात। तो दोस्तों ये वाला जो रोड में आप लोगों को ले जा रहा हूँ यहाँ से, ये दरअसल मेरे पीछे बैक साइड में मेमनकोट आता है। मेमनकोट एक काफ़ी मशहूर होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तजारती क्या कहते मुआशी तरीके से जो है ना, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, चेज़ बन रहा है, तो मेमनकोट काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो वो मेमनकोट पीछे है मेरे, तो यहाँ से अगर आपका घूमने का प्रोग्राम है तो यहाँ से आते हैं बाय रोड। ये वाला रोड बड़ा अच्छा है, ये जो बेसिकली अभी जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ इसको कहते हैं सुमारकंडानी। पहले एक गांव हुआ करता था, अभी खैर माशाल्लाह बड़ी दुकानें हो गई हैं यहाँ पर और रोड भी काफ़ी अच्छा बना दिया है। ये बनाया किसने ये मैं बताता हूँ, जनाब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ये तामीर करवाया है रोड, और इनके लिए बड़ी सहूलत हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ नहीं हुआ करता था, दुकानें वगैरह नहीं होती थी। अब इनका रोज़गार इस रोड के वजह से बहाल हो चुका है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं, ये आगे जो है ना नदी किनारा, ये जो ब्रिज आप देख रहे हो इसके नीचे नाला जाता है, सेवरेज का पानी सारा इकट्ठे होकर यहाँ से जाता है और फिर ये इसको नदी किनारा कहते हैं। और इसके बाद नदी नहीं है बेसिकली, गटर का पानी है वो जा रहा होता है, अभी क्या करें नाम तो पुराना है ना। बहरहाल ये आ गया आपका नंबर 4, खोखरा पर नंबर 4 की बैगने हैं येलो कलर की, ये यहाँ से जाती हैं, देखिए खड़ी हुई है यहाँ से जाती है सीधा थ्रो आउट काला बोर्ड की तरफ, और नहीं अभी 15 नंबर, फिर वहाँ से ये बाबर मार्केट की तरफ जाती है, अभी तक चल रही है। बहुत ही पुरानी ये केल कहलाती है, येलो कैब या केल कहते हैं इसको ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात यह कि रेड कलर की बसेस भी यहाँ आ चुकी हैं, जो कि यहाँ के मुकामी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक तोहफा है। यहाँ पर चिंची भी आपको नज़र आएंगे, ये देखें ये चिंची है, और ये कुछ ऑटो जा रहे रक्षा, और यहाँ फुटपाथ बनाया है बड़ी ज़बरदस्त जगह, और बहुत ही प्यारी बात मैं बताऊँ क्या, बीच में ये जो लोगों ने
दरख्त बना दिए ना नीम के, ये बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ आए फुटपाथ पर सो रहे होते हैं इनके वक्त। मेरा ईद से पहले एक दिन पहले का ये जो ना सूरत हाल है, ये धूप में तो कोई निकला नहीं है बाहर, शाम के काफ़ी रश होगा मुझे पता है। मेरा आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को अभी क्या कुछ है। तो जनाब बताते ही हुए चल रहा हूँ यहाँ से, ये बोखरा पार कहलाता है, फिर 4, 3, 2, 2.5 कुछ इस तरह से है ना, ये पूरा जो ये पट्टी जो जा रही है बोखरा पार कहलाती है। और आगे चल कर एक चुरंगी आती है, ये चौक आता है, बेसिकली अभी मैं चल जाऊंगा ऑफिस। ऑफिस में एक काम है छोटा सा, उसके बाद ये चिच्ची को देखो यार कैसे बैठे हैं लोग, ये ब्यूटी पार्लर काफ़ी ज़्यादा चमक गए हैं। ये देखो चिच्ची में लोग सवारी करते हुए, और ये देखिए यहाँ पर यार इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा हैं, बैंक्स भी हैं, 3-4-5 बैंक्स हैं। सऊदाबाद का चौक है बेसिकली, ठीक है। यहाँ प्याला होटल भी एक है काफ़ी मशहूर है, उसकी चाहे वो सामने। तो यहाँ से ये चुरंगी है, अच्छा मेरे लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा लियाकत मार्केट, और इधर जाएंगे तो टैंकी कहलाता है, टैंकी टैंकी का एरिया है। तो ये सऊदाबाद चौक से सीधा यूँ जाएंगे तो टैंकी है। यहाँ पर आपको टाइल मार्बल की दुकानें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, ये मेरे राइट साइड में देखोगे तो टाइल मार्बल वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारे दुकान है यहाँ पर। और कलर्स के कोई पेंट वगैरह कलर वगैरह करवाना है घर का, वो भी यहाँ पर काफ़ी आपको मिल जाएगा। और इस रास्ते पे ना, इस रास्ते पे आपको घर की कोई भी चीज़ चाहिए हो वो आपको आराम से सुकून से मिल जाएगा, क्योंकि इसका नाम है टैंकी, टैंकी कहलाते। पता नहीं पुराने दौर में कोई टैंकी हुआ करती थी यहाँ पर एक छोटी सी, है ना, वो टैंकी का नाम लोगों ने डाल दिया। एनीवे हम जाएंगे यहाँ से, अच्छा ये जो है ना सीधा जाएगा रास्ता मॉडल कॉलोनी की तरफ। तो लोगों ये मॉडल कॉलोनी की तरफ जो रास्ता जा रहे हैं ना, यहाँ आपको थोड़ा रश भी मिलेगा और मिट्टी भी मिलेगी। मिट्टी क्यों मिलेगी, क्योंकि यार ये पता नहीं रोड क्यों नहीं बन रहा है, बनते बनते रुक जाता है। आगे चल कर दिखाता हूँ कि मिट्टी क्यों है, कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर ये समझे एजुकेशनल हब है, ठीक है। तो ये रोड आ गया ख़राब वाला, ये अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, और इतना बुरा है यार मैं क्या बताऊँ। शुक्र थोड़ा सा टुकड़ा बन चुका है, लेकिन बनते बनते रह जाता क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कभी कमी नहीं होती, तो कहाँ से बनेगा, रात में बना सकते हैं लेकिन यहाँ कौन हो तो क्या ही, तो सारी मिठाई हो जाएगी मिट्टी वाली मिठाई की, है ना। और मैंने तो आजी आजी चला जी, ओ भाई ऑटो वाले कैसे जाएगा, मेरे पेट के सारे क्या कहते हैं आंते इधर उधर होती हैं। ओ भाई हाजमा दुरुस्त करने वाला रोड है ये, यार क्या ही बात है। यहाँ बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, और जो आप चाहो वो मिल जाएगा, खाना पीना जितना भी खाना है भाई यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। फ्री में नहीं मिलेगा, बोल भी नहीं सकते। तो जनाब मेरा ऑफिस से थोड़ा सा छोटा सा काम था जो कि मैंने निपटा लिया, अब चलते हैं आगे। तो दोबारा से आ गए हैं मॉडल कॉलोनी वाले रोड पर, और ये जो है ना काफ़ी गहमा गहमी वाला रोड होता है ये। इस वक्त तो कोई आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सारे शॉप्स मार्केट्स वगैरह क्लोज हैं। और देखिए हर जगह क्लोज ही लगा हुआ सब चीज़ें, क्योंकि रमज़ान का आखिरी दिन है और ये शाम के वक़्त खुलता है, पूरी रात चलता रहता है भाई। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं लोग
याद से भी आते हैं यहाँ पर, सिर्फ आइसक्रीम वगैरह बर्गर खाने का, क्या ही बात है। शॉपिंग भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत बजट के हिसाब से। तो यहाँ से चलते हैं भाई आगे, सीधा जाएंगे ये मॉडल कॉलोनी का जो आखिरी एंड पॉइंट आ रहा है रास्ते का, रोड का। यहाँ पर मार्केट बहुत है यार आइसक्रीम की, मैं दिखाता हूँ दुकान। अच्छा यहाँ बाटा भी है, शॉपिंग मॉल भी हैं, बैंक भी है, फैसल बैंक है, अभी बाटा का बड़ा सा शॉप है, और ये एमसीबी बैंक यहाँ पर है, एचबीएल है, अलाइड बैंक है, और लेडीज़ की काफ़ी वैरायटी यहाँ रखी है, बच्चों के रखे हुए हैं यहाँ पर, और क्या कुछ है। आइसक्रीम की एक शॉप है, टीसीएस का दफ्तर है, गुल अहमद के कपड़े यहाँ मिल जाएंगे। ये देखें भाई इन लोगों ने बड़ा अच्छा सेटअप बना दिया है, मार्ट है मार्ट को। और ये जब बाहर निकलेंगे तो इस रोड से, उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो रोड दिखाई दे रहा है, ये है एयरपोर्ट रोड। मेरे सामने जो है ना एयरपोर्ट है, ये लैंड होता है यहाँ पर जहाज उस तरफ। तो ये रास्ता है अपना मलिर हाल्ट की तरफ जाते हुए, ये पूरा रास्ता यहाँ से मलिर हाल्ट जाएगा, ठीक है। तो गलियों से निकल आए हैं अब, ये मलिर हाल्ट की तरफ ये रास्ता जाएगा। मेरे राइट साइड पर जो है ना, राइट साइड पर आपके है यहाँ पर एयरपोर्ट है, कराची नेशनल एयरपोर्ट। अब ये रास्ता थ्रू आउट आपको सीधा ले जाएगा शारा फैसल पर। ये मेरा राइट साइड पे अपना है कराची नेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इस तरफ। राइट साइड पे कब्रिस्तान है, बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है भाई यहाँ पर, तारीखी कब्रिस्तान है। आप यहाँ पर शादी हॉल्स हैं, शारे फैसल वाले रोड को कनेक्ट करोगे तो मिलते हैं सीधा शारे फैसल की रोड पर, ठीक है।